वेलकम टू माय चैनल। आज मैं नींबू का लिक्विड डिश वॉश बना रही हूँ। इसमें कोई केमिकल नहीं होगा, बड़े सिंपल तरीके से बनाऊंगी इसको। ये कुछ नींबू लिए मैंने, वो कुछ इसमें ऐसे थे वो भी डाल दिए अंदर। इन सबको पहले मैं काट लूंगी। एक बार आप बनाओगे तो बार बार बनाओगे, बहुत ही अच्छा बनता है। जी फ्रेंड्स, हमारे नींबू कट गए हैं पूरे। अभी हम इसमें पानी डालते हैं। पानी उतना डालेंगे जितने नींबू होंगे आपके, उसमें ढक जाए पूरे। ये मेरे पास तो बहुत सारे नींबू थे, आप कम नींबू का बना सकते हो। अभी इसमें छोटी कटोरी नमक दे दूंगी अंदर। वो गैस कर देते हैं ऑन, वो मीडियम पे रखेंगे इसको, वो पकने देंगे। और आप कम नींबू का भी बना सकते हो। फ्रेंड्स, ये नींबू हमारे पक गए हैं। ये मेरे नींबू कुछ ज्यादा थे इसलिए मुझे ज्यादा टाइम लगा, 20-25 मिनट लगे होंगे। आपके काम होंगे तो काम भी टाइम लगेगा। और अभी मैं गैस का कर देती हूँ बंद, और ठंडा होने के बाद इसको थोड़ा ब्लेंड करती हूँ, फिर दिखाती हूँ। अभी जो नींबू का लिक्विड हमने तैयार किया था उसको ब्लेंड कर लेते हैं। अभी जो नींबू हमारे पीस चुके हैं, अभी हम इसे छान लेते हैं। देखो फ्रेंड्स, कितना अच्छा लिक्विड बन जाता है इसका। फ्रेंड्स, हमने सारा लिक्विड छान लिया। ये कुछ लिक्विड हमने रखा था, इसको मिक्सी में ग्राइंड करके दिखाएंगे। ठंडा होने के बाद इसको ग्राइंड करना। ये हमारा, अभी इसको भी हम छान लेते हैं। देखो कितना अच्छा लिक्विड तैयार हो गया। इसको कोई जेल की जरूरत नहीं है, और बिना केमिकल के जे बना हमारा घर पे। और 1.5 kg नींबू होंगे उसका, इतना सारा बन गया हमारा लिक्विड। अगर फिर भी आपको थोड़ा सा कलर देखना है इसमें पूरा बाजार जैसा, तो थोड़ा सा इसमें फूड कलर मिला सकते हैं, बस इतना सा बहुत है। देखिए पूरा कितना अच्छा कलर हो गया एकदम। अभी ये 1.5 kg का बाउल है, ये पूरा भर गया मेरा लिक्विड से, ये थोड़ा सा बच गया। अभी हम इसको ऐसे ही रखेंगे, और इसमें थोड़ा सा 1 चम्मच लिक्विड विम बार में विम लिक्विड मिलाएंगे जा के लिए। ज़्यादा मिलाने की ज़रूरत नहीं है, बस 1 ही चम्मच। अभी हम इस्तेमाल करके दिखाएंगे। ये थोड़ा सा लिक्विड लिया हमने, देखिए आराम से साफ करने से कितनी चमक आ जाती है इसमें। और पीतल के बर्तन, लोहे के बर्तन, स्टील के कोई भी बर्तन आप साफ कीजिए, बहुत अच्छी तरह से साफ होते हैं इससे। देखिए फ्रेंड्स, ये कितने अच्छे चमक गई है प्लेट, बहुत ही अच्छे साफ होते हैं इसे, आप इसको जरूर ट्राई कीजिए। अभी हम ऑयल लगा हुआ है इस पे प्लेट पे, ये दिखाते हैं।
इसमें कोई चिकनाइट नहीं है। अभी हम बाटल में इसको भर लेते हैं। देखो कितना अच्छा बना जी। और आप घर में इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, क्योंकि नींबू तो हर घर में होते हैं, बाहर से लेने की ज़रूरत ही नहीं। अगर आप एक बार बनाओगे इसको तो बार बार बनाओगे। अभी जो भर गया हमारा पूरा, कितना अच्छा ल्यूकर तैयार हो गया। आप भी घर में बनाइए, ट्राई कीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि मेरे आने वाले वीडियो आप सबसे पहले देख पाओ। ओके, बाय बाय, टेक केयर।